बोलो, तू जब गुंडागर्दी करता था ना, तो अब उनका कलेजा हिलने लगता था। ए तू फिर से राउडी बन के दिखा ना उनको। हाँ तो भाई, कैसे आप सब? अब आजकल अपने ही दोस्त हमारे दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन भाई कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऐसे दोस्तों का हमें पहले ही पता लग जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब मैंने इस बंदे को बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, यहाँ तक कि जब भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता, मैं इसे कहता भाई तू बना ले वीडियो, मुझे कोई मसला नहीं, बट वीडियो के अंदर कोई गाली ना। लेकिन ये बात नहीं आया, चलो मैंने कहा फिर भी चलो सही है, लेकिन अब तो ये हद ही करता जा रहा है। मैं जब भी किसी की स्ट्रीम पे जाता हूँ, ये उसकी स्ट्रीम पे होता है, मुझे स्ट्रीम पे ही गालियां देता है। तो भाई फिर मैंने भी सोच लिया कि यार इनको अब इज्जत राज नहीं आ रही, तो क्यों ना इन्हें पेल दिया। अब ये बंदा भी ना जैक की दूसरी कॉपी है, इसने बहुत चीजें स्कैम की है, इसने एडिटर के पैसे खाए जिससे ये थंबनेल बनवाता है, इसने जैक के सामने जाके भीख मांगी है कि मुझे सपोर्ट कर लो, और अहम तुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं चलेगा कि तू मेरी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़का रहा होता था। यहाँ तक कि जब मैंने इसको अपनी टीम मिली है, तो मेरी टीम मेंबर्स को कह रहा है किसकी टीम छोड़ो, हम लोग अपनी टीम बनाते। लेकिन मैंने फिर भी बोला चलो यार दोस्त, अब क्या करना है। अब मैं तुम लोगों को इसका एक पहला स्कैम दिखा देता हूँ। अब आज से तकरीबन 3 महीने पहले इसने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, इसमें मैं खुद भी खेल रहा था और मेरी टीम भी खेल रही। तो पहले तो इसने वीडियो बनाई कि 50 रुपीज एंट्री फीस लूंगा, तो मैंने तो उसको फौरन एंट्री फीस भेज दी और मैं रजिस्टर हो गया। उसके बाद इसकी कल एक और वीडियो आ गई कि एंट्री फीस खत्म कर दिया, तो मैं इसके साथ व्हाट्सएप पे गया, मैंने कहा यार भाई एंट्री फीस तूने खत्म कर दिया, तो अब मुझे मेरे 50 रुपए दे दे। तो वही इसके ट्रॉफी जा रही, यार मैं तुझे भेज दूंगा। फिर मैंने इसको खुद बोल दिया कि यार तू दोस्त है यार, छोड़ अब ना भेज, तू क्या करेगा। लेकिन मैंने इसको वाप ये बोला कि मैं टूर्नामेंट का जो होगा ना प्राइस पूल वो तो लूंगा। इसने कहा हाँ वो तो मैं तुझे दे दूंगा, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि हम वो टूर्नामेंट जीत भी गए, लेकिन अभी तक कोई प्राइस पूल नहीं आया। फिर इसने एक और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया कि मैं सपोर्ट करूंगा, 50 सब्सक्राइबर दूंगा, उसमें भी हम लोग जीत गए और इसका कोई प्राइस पूल अभी तक नहीं पहुंचा। ये भी जैक का मतलब कि सौतेला भाई कह लो, जैक तो कुछ ज्यादा स्कैम करता है, लेकिन ये भी जैक से कोई कम नहीं लगा अब। और ये जो अपनी वीडियो में कुछ मेरे वॉइस चैट वगैरह दिखा रहा था, तो मैं भी इसके दिखाता हूँ, रुको सबर करो, ये जरा तुम लोग खुद ही सुन लो। यार ऐसा कोई सीन नहीं है, हम ठीक है, तू भाई अगर तू कंटेंट बना भी लेगा मैं वो छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल है मैं तुमसे पूछूं कि कोई ऐसे बड़े यूट्यूबर के ऊपर बनाएंगे, जिस तरह देख हो गए पस्काइल और जिस तरह तूने बनाया था, ठीक है, जिस तरह कोई भी इस तरह का बड़ा बड़ा यूट्यूबर जो गलती करता है, जिस तरह आप टू बी गेमर हो गया, इस तरह के कोई भी बड़ा यूट्यूब। और अभी भी इसके चैनल पे एक स्काइलर्ड पीके के साथ कोलैब वीडियो, वो भी इसने खुद स्काइलर्ड पीके को बोला था यार आके मेरे साथ कोलैब कर। अब ये पीछे स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो, जब ये गुरु को छोड़ के जैक के पास गया था, तो ये जैक को खुद जाके बोल रहा था यार मेरी कम्युनिटी लगा देना, मैं गुरु के खिलाफ तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। और जैक को तो चाहिए था एक बंदा जो जैक इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि हैरी ने तो इसके साथ छोड़ दिया था। अब ये भी स्क्रीनशॉट तुम लोग खुद ही देख रहे हो कि ये मुझे खुद आके बोलता है कि जैक ने इसका यूज किया, लेकिन उसके बाद जैक ने इसकी फॉरन कम्युनिटी पोस्ट लगा दी और ये फिर जैक की तरफ चला गया, क्योंकि इसको पता लग गया था कि इसका चैनल प्रॉपर डेड हो चुका है, क्योंकि ये अपने चैनल का कोई केयर नहीं कर रहा था। लेकिन एक बात से मुझे भी हंसी आती है कि जैक को ना ये कुत्ता बना के रखता है, जैक को उल्टा सीधा बोलते थे स्ट्रीम पे आकर, जैक को गालियां निकालते हैं, और जैक जी भाई, क्योंकि जैक को पता है कि भाई अगर ये भी उसके साथ से चला गया तो जैक तो रहेगा ही अकेला। अब प्रूफ मेरे पास इतने हैं कि ना मेरी वीडियो 10-11 मिनट की आराम से बन सकती है, सिर्फ अगर मैं प्रूफ दिखाऊं। अगर ये ऐसे ही मुझसे पंगे लेता रहेगा ना, तो मैं वो भी प्रूफ तुम लोगों के सामने दिखा दूंगा, क्योंकि इसके पिछले कारनामे बिल्कुल सही नहीं थे, पता नहीं पिछले क्या करता रहता था, चोरी चोरी में भी इसका आता है, इसने एक दफा मुझे बताया था। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।